व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अगेन आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑन द चैनल मुकद्दस बेकिंग शॉप। तो आज हम अगेन एक और रेसिपी के साथ आए हैं जो कि है ऑरेंज लॉलीपॉप कैंडीज। हम ऑरेंज लॉलीपॉप कैंडीज बना रहे हैं विदाउट एनी आइसो माल्ट और इन चीज़ों के बगैर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप ऑरेंज कैंडी बनाए, आप हर वो कैंडी बना सकते हैं, उस फ्रूट की कैंडी बना सकते हैं जिसका नेक्टर निकलता हो, जिसका वाटर बेस्ड जूस निकलता हो। जैसे ये हमने यूज़ किया यहाँ पर ऑरेंज। ठीक है, आप इसमें हर वो फ्रूट यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिन फ्रूट्स की पल्प निकलते हैं उनका किस तरीके से होगा कैंडी बनेगी, उसको हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इसके मेजरमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि मुझे चाहिए 1 कप शुगर, हाफ कप प्योर ऑरेंज जूस। मैंने अभी अभी इसे एक्सट्रेट आउट किया, देखें हम इसमें देखें तो आपको इसमें इसका पल्प भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट देगा। लॉलीपॉप मोल्ड, आप लॉलीपॉप मोल्ड कोई भी डिज़ाइन का ले सकते हो, बहुत सारे डिज़ाइन मुकद्दस बेकिंग शॉप पर अवेलेबल है। और लॉलीपॉप स्टिक्स मैंने यहाँ पे 4 इंचज़ वाली ली है, लेकिन अगर आपको केक के ऊपर लगाना हो ना ये, तो आप 6 इंचज़ और 8 इंचज़ वाली ले सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं कुकिंग मेथड की तरफ। आई विल सजेस्ट यू कि आप कढ़ाई लें, क्योंकि जितनी डीप पैन होगा, जितना डीप पैन होगा इतने इसमें पर्पज़ कुछ इस तरीके से है कि इसमें झाग होते हैं, बैठते हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप पैन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। रख दिया स्टव के ऊपर और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रख दी है। इसमें हम डालेंगे शुगर, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, बहुत ईजी है। कंप्लीट शुगर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ऑरेंज जूस। अब इसे किस तरीके से पकाना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसके फ्लेम को रखना है तेज, थोड़ा थोड़ा सा हैवी रखेंगे। फिर ये कब स्लो करना है, किस स्टेज पे स्लो करना है, फिर कब करना है, इसकी टेक्निक फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही ये बनेगा। देखिए ये इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अभी इसकी सिर्फ शुगर मेल्ट हुई है, इसमें मज़ीद अभी हो रही है, बल्कि मेल्ट भी पूरी नहीं हुई है। और अभी हमने आँच को वही मीडियम हाई पे ही रखा हुआ है, और अभी इसमें बबल्स वगैरह नहीं आना शुरू हुआ। तो कब किस तरीके से फॉलो करना है, ज़रूर 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 आप उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। स्टे ट्यून, हमें इस तरीके से चलाते इसको रहना है ताकि ये बर्न ना हो। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप साइड से देखें तो ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अभी भी हमने गैस को लो नहीं करना, ये बबल्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे ये ऊपर राइज हो जाएं, फिर हम गैस को लो करेंगे। ये देखिए बस अब इसके ना बबल्स बढ़ने लग गए, अभी इसके बबल थोड़े एक्सट्रीम ऊपर आ जाएंगे, देन हम इसकी फ्लेम को कर देंगे लो। बस हम इसकी फ्लेम करते हैं लो। बेसिकली हम यहाँ पर ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि विदाउट यूजिंग एनी थिकनिंग एजेंट, इसको हम थिक कैसे करेंगे कि ये जम जाए। अभी हमने इसकी वो लो की है फ्लेम, तो बबल्स बैठ गए। अब हमें इस कंडीशन पे से 5 मिनट्स कुक करना है, देन अगेन इसकी फ्लेम को हम हाई करेंगे, फिर आपको बता। अभी प्रोसेस कंप्लीटिंग, अभी देखें अभी ये लिक्विड ही है, हमें किस स्टेज पर इसका वो रोकना है कुकिंग, वो हम आपको बताएंगे। आ गए हैं, हमने इसकी फ्लेम को किया है लो, ताकि बबल्स अभी बबल्स स्लोली स्लोली कूल डाउन होंगे, देन अगेन हम फिर स्लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट्स कुक करेंगे। टोटल 15 मिनट्स का ये प्रोसीजर है, 3 से 4 सेट्स में इसका वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी जिसमें हमें इसे रिमूव करना है। इस फ्लेम पे इसको कुक करते हुए 5 मिनट्स हो गए, अभी हल्का हल्का सा मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की इसमें थिकनेस आई है। ठीक है, अब हम इसकी फ्लेम को इंक्रीज करते हैं, अगेन बबल बनने तक वेट करेंगे। ये देखिए मैंने फ्लेम इंक्रीज कर दी, अभी आहिस्ते आहिस्ते बबल बनेंगे, देन हम फिर इसकी फ्लेम को लो करेंगे। इस तरीके से हमें 5 से 4 से 5 सेट करने हैं। बबल्स आ रहे हैं, पूरा ऊपर तक बबल्स आ चुके हैं, इसके स्लो करते हैं हम फ्लेम को। ताकि ये कूल डाउन हो जाए और फिर मज़ीद इसे पकाएंगे हम। हमें एक ऐसी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए जिसमें ये अच्छे से ना, आप देख सकते हैं साइड से अब ये ना काफ़ी स्टिकी स्टिकी हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी वी नीड टू कुक इट मोर। चलिए हम इस प्रोसेस को
रखते हैं, आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। इनकी फ्लेम को हाई करते हैं ताकि इसमें बबल्स आ जाए। करना इसके प्रोसेस को थोड़ा सा करना पड़ेगा फास्ट, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर अच्छे से हो गया। आप देख रहे हैं विदाउट एनी आइसोमाल्ट, विदाउट एनी ग्लूकोज चीज़, ये बहुत ज़बरदस्त बनी है, बनेगी, आप देखेंगे इसका रिजल्ट। ये ड्राई भी इतनी क्विक होगी विद इन 5 to 6 मिनट्स। देखिए हमने ऑरेंज कलर ऐड किया है, मैंने पाउडर कलर यूज़ किया है जो कि बमुश्किल 20 रुपीज़ का मिलता है मगर वीकिंग पर। आप जो कलर चाहो यूज़ कर सकते हो, लिक्विड जेल, ठीक है। कैसे पता चले कि बिल्कुल थिक होके रेडी हो गया और जम जाएगा, तो हमने लिया यहाँ आइस चिल्ड वाटर, है ना, लाओ इधर, हमने यहाँ लिया आइस चिल्ड वाटर और इसमें हम ये एक ड्रॉप जो है इसको डालेंगे और अब हम इसको रखते हैं थोड़ी देर। इस चिल्ड वाटर में जम जाता है तो मींस ये रेडी है, अभी ये सॉफ्ट है, ठीक है, इतना अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो हमने इसे 10 मिनट कुक किया है और हमने इसका आइस 10 नहीं 5 मिनट्स किया है, मज़ीद हम इसका आइस टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिए इसके बेस्ट टेस्ट के लिए, अब आइस चिल टेस्ट 5 मिनट से रहने देते हैं, फिर देखते हैं। जैसे इनके क्रिस्टल्स बन गए हैं अगर मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन आप इसके क्रिस्टल आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि एकदम हार्ड है या नहीं, देखिए ये अच्छे से ना अभी गीले हो रहे हैं लेकिन अच्छे से इसमें कलर आ गया है और अच्छे से ये क्रिस्टल्स बन गए। अब इस स्टेज पर हम जो है आपको करीब से भी दिखाते हैं, इस स्टेज पर देखिए बिल्कुल हार्ड है। अब इस स्टेज पर हम जो ऐसे वो कर लेंगे मोल्ड में, मोल्ड में आपने कुछ ग्रीस नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसी तरीके से डालना है, ये इसी तरीके से डी मोल्ड होगा। हाँ देखिए इस तरीके से मैंने ये वाला मोल्ड सेलेक्ट किया है, इसमें मैं किस तरीके से किसी भी आपने ऐसी चीज़ में ले लेना है जिसे आप अच्छे से पोर कर सको। इसका कलर आप देख लें इस वक्त इस तरीके का हो गया है, पक पक के डार्क, ठीक है। अब हमने इस तरीके का जग ले लिया जिसका सिलिकॉन मोल्ड है, तो मैंने इस तरीके के जग में ले लिया कि जिसका ये जो है नोकीला हो, ठीक है, आप अच्छे से इसको डाल सको। चूँकि ये सिलिकॉन मोल्ड है इसलिए गर्म से भी कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होगा। और इसको किस स्टेज पर लगाना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस आपने ओवरफ्लो नहीं करना है इसे, मैंने डार्क ऑरेंज किया है क्योंकि मैंने कलर ऐड किया था। आप अगर लेमन मतलब लाइट ऑरेंज कलर ऐड करोगे तो इसका लाइट ऑरेंज शेड है। अगर आपने क्रिस्टल कैंडी बनानी है तो आप इसमें कोई फ्रूट पल्प ऐड ना करो, या लीची कर सकते हो तो क्रिस्टल कैंडी बन जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा है आजकल इन है केक्स के ऊपर, सकते हैं आप। मैंने इसको इस तरीके से फिल कर दिया, फ्लैश में कुछ ज़्यादा डार्क आ रही है, अगर मैं आपको इसकी फ्लैश ऑफ करके बताऊँ डार्क है, ठीक है। अब ये हाफ डन हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हल्का इसमें थिकनेस आ जाएगी, जब तब हम इसमें लगाएंगे स्टिक्स। ये तकरीबन 10-20 मिनट्स के बाद ये अच्छे से जो है वो हो गया है हार्ड, ठीक है। अब इसे हम डी मोल्ड करते हैं और किसे आप इसको लंबे अरसे तक रख सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसे पहले करते हैं डी मोल्ड। डाले हुए अभी 1 ही मिनट हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा डन हो चुके हैं, हम देखेंगे कलर भी लाइट होता जा रहा है। बस अब आपने इस तरीके से पुश करना है ताकि ये अंदर को चला जाए। मेक श्योर कि आपने अपनी फिंगर्स बचा के रखनी है, इस तरीके से लगाते हैं तमाम स्टिक्स एंड देन आपको 5 मिनट्स बाद डी मोल्ड करके फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। आप इस तरीके से स्टिक्स को रोटेट करोगे तो ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, इसे किसे स्टिक्स लगाते हैं एंड देन आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। करते हैं इनको डी मोल्ड, देखिए कितने आराम से जो है ये निकल रहा है, इसका शेप आप देख सकते हो, ठीक है। निकालते हैं मजीद, लुक एट डी शेप,
इस तरीके से आप किसी भी फ्रूट की बना सकते हो। ये देखिए ये इस तरीके से कंप्लीट तमाम शेप्स डीमोल्ड हो गए हैं। लुक एट दी टेक्सचर। और हमने देखा था आपने कि हमने कोई ग्रीस को मोल्ड मोल्ड को ग्रीस नहीं किया था, डस्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, फिर भी बड़े ज़बरदस्त से ये निकल आए हैं। आप इसे फॉर सेलिंग पर्पस भी रख सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना होगा, जस्ट सिंपल आइसिंग शुगर लेनी है और इसको कोट कर दो आइसिंग शुगर में, क्योंकि आगे हैं गर्मी के दिन, तो गर्मी में ये मेल्ट होने का खतरा हल्का सा होगा, लेकिन अगर आप आइसिंग शुगर कर दोगे तो ये मेल्ट नहीं होगी। देन आप इसे क्लिंग रैप में रैप करो, बो लगाओ और इसे आप सेल कर सकते हो। प्लस आप केक के ऊपर लगाओ इनको। इसके ऊपर काफ़ी सारे शेयर्स इमोजी वाले और बहुत सारे शेयर्स आपको मुकद्दस बेकिंग शॉप से मिलेंगे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह।